हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल विद आर्ना क्लास टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थ्रीटा अपॉन वन प्लस कॉसैक थ्रीटा इज इक्वल्स टू कॉसैक थ्रीटा तो हमें ये प्रूव करना है तो हम इसकी एल लेते हैं दैट इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थ्रीटा अपॉन वन प्लस कोसेक थ्रीटा अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि जो हमारा कोट स्क्वायर थ्रीटा होता है वो होता है कोसैक स्क्वायर थ्रीटा माइनस वन ये हमारी आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आप कोट स्क्वायर थ्रीटा की जगह लिखेंगे कोसैक स्क्वायर थ्रीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉसैक थ्रीटा अब देखिए ऊपर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसैक स्क्वायर थ्रीटा का स्क्वायर और माइनस वन तो इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना ये आपकी आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो आप लिखोगे इसको कॉसैक थ्रीटा माइनस वन थ्री इटा प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री इटा ठीक है वन प्लस थ्री इटा से वन प्लस कॉसेक इटा होता है कैंसिल आउट ये आता है आपका थ्री इटा माइनस वन वन से वन कैंसिल आउट दैट इज इटा है ये हमारी आती है आर एच हैंस प्रूव्ड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक ए माइनस सेक ए कोटे प्लस टेन ए को आपको प्रूव करना है सेक ए टेन ए तो हम इसकी लेते हैं एल एच एस से माइनस कॉस ए और ये है आपका कोटे प्लस टेन ए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले साइन और कॉस के आइडेंटिटी में इसको खोल लेंगे तो देखो सेक ए होता है आपका वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉसे कॉटे होता है आपका कॉसे अपॉन साइन ए और टेन ही होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए ठीक अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो कॉस से ही आएगा यहाँ पे वन आएगा और इस कॉस की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम आएगा आपका साइन ए और कॉस ए इस कॉस की इस साइन कॉस से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए और जब इसका इनकी साइन से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए लिख लीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपकी आइडेंटिटी होती है वन इन ये आपकी हो गई वन अपॉन साइन ए और कॉस ए तो देखिए आपका क्या हुआ एक साइने से एक साइन ए होता है कैंसिल आउट ठीक और आपका एक बचता है साइन अपॉन कॉस ठीक ये आपका बच्चा साइन और अप ऑन कॉस साइन अप कॉस होता है आपका टेन ए और यहाँ आपका बच्चा वन अप कॉस वो होता है आपका सेके तो हमें यही प्रूफ करना था ये आ गई हमारी आर एच एस और ये हमारा क्वेश्चन भी क्या होता है प्रूफ आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ थीटा प्लस टेन थीटा एम है तो शो कीजिए एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन आपका होगा साइन थीटा तो यहाँ से हम एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं तो सिंस देखो एम स्क्वायर माइनस वन एम की वैल्यू क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि सेक्स थीटा प्लस टेन का होल स्क्वायर दैट इज माइनस वन अब देखिए ए प्लस का होल स्क्वायर है ये आपका तो ये क्या होगा सेक्सक्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थ्रीटा प्लस टू सेक्स थ्रीटा टेन थ्रीटा माइनस वन अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो सेक्सक्वायर थ्रीटा माइनस वन है ये एक आइडेंटिटी आपकी बनेगी सेक्स स्क्वायर थ्रीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थ्रीटा प्लस टू Sec और टेन थ्रीटा सेक्साइन सेन होता है आपका टेन स्क्वायर थ्रीटा आप आइडेंटिटी याद रखेंगे थ्रीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थ्री टाइम प्लस टेन स्क्वायर थ्री टाइम प्लस टू सेक्स थ्रीटा टेन थ्रीटा टेन स्क्वायर थ्री प्लस टेन स्क्वायर थ्रीटा होता है टू टेन स्क्वायर थ्री प्लस टू सेक थ्रीटा tan थ्रीटा देखो कितना है अब हम यहाँ से टू टेन थ्रीटा क्या ले लें कॉमन जब हम टू टेन थ्रीटा कॉमन लेंगे तो ये आपका ये बचेगा टेन थ्रीटा और यहाँ पे आपका बचेगा सेक थ्रीटा मेरा एम स्क्वायर माइनस वन आ गया यहाँ से हम एम स्क्वायर प्लस वन निकालते हैं एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर प्लस वन होगा आपका सेम सेक थ्रीटा प्लस टेन थ्रीटा का होल स्क्वायर और प्लस का वन ये आपका होगा वही सेम सेक स्क्वायर थ्रीटा प्लस टेन स्क्वायर थ्रीटा प्लस टू सेक्स थ्रीटा टेन थ्रीटा प्लस वन अब यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है टेन स्क्वायर थ्रीटा प्लस वन ठीक है सेक स्क्वायर थ्रीटा ऐसे ही रहने दो आपकी यहाँ पे इस टेन स्क्वायर थ्रीटा और प्लस वन आपकी आइडेंटिटी बनेगी टू सेक थ्रीटा टेन थ्रीटा देखो सेक स्क्वायर थ्रीटा और टेन स्क्वायर थ्रीटा प्लस वन भी होता है आपका सेक स्क्वायर थ्रीटा प्लस टू सेक थ्रीटा टेन थ्रीटा सेक्स स्क्वायर थ्रीटा प्लस सेक स्क्वायर थ्रीटा होता है आपका टू सेक स्क्वायर थ्रीटा प्लस टू सेक थ्रीटा टेन थ्रीटा यहां से आप कॉमन लोगे आपका कॉमन आएगा टू सेक थ्रीटा ठीक है क्या बचेगा यहाँ पे सेक थ्रीटा और यहाँ पे टेन थ्रीटा ठीक है अब हम लेते हैं अपनी एल एच एस हमारी एल एच एस थी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन दैट इज एम स्क्वायर माइनस वन आपका सोल्व होकर क्या आया था टू टेन थ्रीटा टेन थ्रीटा प्लस सेक थ्रीटा अपॉन टू सेक थ्रीटा सेक थ्रीटा प्लस टेन थ्रीटा देखे तो कैंसिल आउट हो गया टू से टू कैंसिल आउट हो गया टेन होता है साइन थ्रीटा अपॉन कॉस थ्रीटा और सेक होता है वन अपॉन कॉसिटा ये कैंसिल आउट ये आया आपका साइंस थ्रीटा ये आया आपकी आर एच एस और क्वेश्चन होता है यहाँ पे हमारा हैंस प्रूफ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं उससे पहले अगर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं हर चैप्टर के तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आइए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं दिस इज आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ कॉसेक थ्रीटा माइनस साइन थ्रीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक् थ्रीटा माइनस कॉस थ्रीटा इज इक्वल्स टू एन प्रूव दैट एम स्क्वायर एन की पावर मतलब तो जीव जो भी है टू बाई थ्री प्लस एम एन स्क्वायर टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू वन तो देखो पहले मैं क्या निकालती हूँ एम निकालती हूँ ठीक है एम तो हमारा देखो एम क्या आएगा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉसैक थ्रीटा माइनस साइन थ्रीटा हमारा एम है कॉसैक को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन थ्रीटा माइनस साइन थ्रीटा इज इक्वल टू एम तो देखो जब आप एलसीएम लोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थ्री अपॉन साइन थ्री बैठेगा साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसके नीचे क्या है वन इज इक्वल टू एम और देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थ्री आइडेंटिटी याद रखोगे कॉस स्क्वायर थ्री होता है अपॉन साइन थ्रीटा इज इक्वल टू एम आता है यहां से हमने एम निकाल लिया ऐसे ही अगेन एन सॉल्व कर लो देखो एन है सेक थ्रीटा माइनस कॉस थ्रीटा इज इक्वल टू एन सेक होता है वन अपॉन कॉस थ्रीटा माइनस कॉस थ्रीटा इज इक्वल टू एन देखो ये क्या आएगा भाई आप इसके नीचे वन मानोगे ऐसे लोगे इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू एन वन माइनस कॉस स्क्वायर थ्रीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थ्रीटा अपॉन कॉस थ्रीटा इज इक्वल टू एन यहाँ पे ले लिया अब हम लेते हैं देखो एल एच एस एम स्क्वायर एन की पावर टू बाय थ्री प्लस एम एन स्क्वायर की पावर टू बाय थ्री आइए सॉल्व करते हैं एम स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थ्रीटा बाय साइन थ्रीटा का स्क्वायर इंटू एन एन यानी कि साइन स्क्वायर थ्रीटा अपॉन कॉस थ्रीटा की पावर टू बाय थ्री प्लस एम एम यानी कि ये ठीक है कॉस स्क्वायर थ्रीटा अपऑन साइन थ्रीटा इंटू एन स्क्वायर एन स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थ्री टा अपन कॉस थ्रीटा का स्क्वायर की पावर टू बाय थ्री सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा कॉस फोर थ्रीटा नीचे आपका आएगा साइन स्क्वायर थ्री टा इंटू साइन स्क्वायर थ्रीटा अपॉन कॉस थ्री टाइ की पावर टू बाय थ्री प्लस कॉस स्क्वायर थ्रीटा टा अपॉन साइन थ्रीटा इंटू यह आपका आएगा साइन फोर थ्रीटा टा अपॉन कॉस स्क्वायर थ्रीटा की पावर टू बाय थ्री देखो साइन स्क्वायर थ्रीटा से साइन स्क्वायर थ्रीटा कैंसिल कॉस की पावर फोर है नीचे कॉस की पावर वन है डिवाइड में माइनस होती है तो फोर में से वन गया थ्री यानी कि कॉस थ्री थ्री बचेगा इंटू टू बाय थ्री प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर थ्रीटा से कॉस स्क्वायर थ्रीटा कैंसिल साइन की पावर फोर है नीचे साइन थ्रीटा है एक पावर माइनस जाएगी साइन की पावर थ्री थ्री टा अपन टू बाई थ्री अब आपने ए क्लो पढ़ा होगा ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए एम इंटू एन हो जाता है ठीक है एक्सपोनेंट का लो है तो ये आपका आएगा कॉस थ्रीटा की पावर थ्री इंटू टू बाई थ्री प्लस साइन थ्री टा की पावर थ्री इंटू टू बाय थ्री थ्री से थ्री कैंसिल थ्री से थ्री कैंसिल ये आपका बचता है कॉस स्क्वायर थ्री और ये आपका बचता है साइन स्क्वायर थ्री टा कॉस स्क्टा और साइन स्क्वायर थ्री पे होता है प्रूफ दिस इज क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ है जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सब बोर्ड में आए हुए हैं जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखिए इसमें हमारी माइनस टेन ही क्या दिया हुआ है एक्स प्रूव करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कौन तो हम क्या करते हैं पहले वन निकाल लेते हैं ठीक है वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वन प्लस ठीक है टू ए भी बनेगा टू से डॉट टेन अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी लगेगी वन प्लस टेन स्क्वायर ए है ना वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टू से डॉट टेन ए वन प्लस टेन स्कवायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टू सेक ए डॉट टेन ए आपका होता है टू सेक स्क्वायर ए माइनस टू सेक ए डॉट टेन ए ये आपका यहाँ से टू सेक ए आप क्या लोगे कॉमन टू सेक ए कॉमन तो ये आपका आएगा सेक ए माइनस टेन ए ठीक है हम ऐसे ही क्या निकालेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर वन माइनस यह आपका आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू सेक ए डॉट टेन है अभी तो मैंने आइडेंटिटी ही खोली है आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो वन माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टू माइनस माइनस प्लस सेक ए डॉट टेन ए ठीक है वन माइनस सेक स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर ए होता है आपका ठीक है तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी देखिए आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन आपका होता है टेन स्क्वायर ए लेकिन यहाँ तो वन माइनस सेक्स है तो मैं क्या करूँगी यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगी और ये आपका आएगा स्क्वायर ए माइनस वन माइनस का टेन स्क्वायर ए प्लस टू से डॉट टेन ए अब यहाँ पे आपका होता है माइनस का ये होता है आपका टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए प्लस का टू सेक ए डॉट टेन ए यहाँ पे आपका होता है माइनस का टू टेन स्क्वायर ए प्लस का टू सेक ए डॉट टेन ए यहाँ से आप टू टेन ए कॉमन ले लो तो जब आप टू टेन ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का टेन ए ठीक है और यहाँ पे आपका बचेगा सैके इसको आप क्या लिखोगे इसको आप लिखोगे टू टेन ए और इसको आप ठीक कर लोगे सेके माइनस टेन ए हमारे पास अब हम लेते हैं अपनी एल एच एस जो की है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी टू से अपॉन से माइनस टेन ए अपॉन और वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी टू टेन ए सैके माइनस टेन ए सैके माइनस टेन ए सेके माइनस टेन ए होता है कैंसिल टू से टू कैंसिल अपॉन वन बाय टेन टेन होता है साइन ए अपन से होता है कैंसिल होता है आपका कॉस से ये होती है हमारी आर एच एस क्वेश्चन यहीं पे होता है प्रूफ अब हम मूव करते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ सिक्स क्वेश्चन ऐसे की आप देख ही सकते हो इफ एक्स इज इक्वल टू से प्लस साइन ए क्वल टू से माइनस साइन ए तो प्रूफ करना है टू अपॉन एक्स प्लस वाई का हम क्या करते हैं पहले एक्स प्लस वाई हम निकाल लेते हैं एक्स प्लस वाई आपका होगा एक्स है, plus sine और y है minus sine. Sine से प्लस साइन ए और वाई है सेके माइनस साइने साइने से साइन ए कैंसिल टू सेक ए ठीक है टू से को आप लिख सकते हो वन बाय कोस तो ये आपका एक्स प्लस वाई आ गया अब हम लेते हैं एक्स माइनस वाई तो एक्स ए प्लस साइन ए और ये है आपका माइनस का वाई है ना तो माइनस a माइनस साइन ए माइनस अंदर के साइन कर देगा चेंज माइनस सेक ए प्लस का साइन ए a, a से टू साइन ए अब हम लेते हैं अपनी एल एच एस जो कि है टू अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है टू अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई है टू साइन ए अपॉन टू का होल स्क्वायर टू से टू कैंसिल आउट टू से टू कैंसिल आउट यह आया आपका कॉस नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस ये क्या है आपका साइन स्क्वायर है और ये आपकी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर होता है आपका वन हैं प्रूव्ड वीडियो है अपने क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर सेवन इस अपनी स्क्रीन पे इफ से थ्रीटा माइनस टेन थ्रीटा इज इक्वल टू रूट टू टेन थ्रीटा तो प्रूव करना है हमें ये तो हम क्या करेंगे जो हमें गिवन है हम वो लेंगे देखो हमें गिवन है sec थ्रीटा माइनस टेंथ थ्रीटा इज इक्वल टू रूट टू टेंथ थ्रीटा ठीक है sec थ्रीटा इज इक्वल टू रूट टू टेंथ थ्रीटा और ये इधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा टेन थ्रीटा ठीक है sec थ्रीटा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे मैं टेंथ थ्रीटा ले लेती हूँ कॉमन तो आपका यहाँ पे रूट टू बचेगा और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस का वन अब हम क्या करेंगे इसके ही कॉन्जोगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे देखो रूट टू प्लस वन का कॉन्जुगेट क्या होगा रूट टू माइनस वन ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई अगर आप देखोगे तो इसकी होल वैल्यू क्या है वन और वन का मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं सेक थ्रीटा इज इक्वल टू टेन थ्रीटा देखो रूट टू की रूट टू ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है तो ये तो आपका ही होगा और नीचे आएगा आपका रूट टू माइनस वन इसको आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका रूट टू माइनस वन मल्टीप्लाई सेक्स थ्रीटा इज इक्वल टू टेन थ्रीटा और देखो रूट टू की रूट से टू से मल्टीप्लाई करोगे टू माइनस वन ठीक है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो रूट टू सेक थ्रीटा माइनस सेक थ्रीटा इज इक्वल टू ये टेन थ्रीटा है रूट टू सेक थ्रीटा सेक्स थ्रीटा माइनस का है उधर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा सेक्स थ्रीटा प्लस टेंथ थ्री और यही हमें प्रूव करना था छोटा सा क्वेश्चन है बस एक यहाँ पे ये यह वाली ट्रिक याद रखना और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना चलो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट की तरफ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर एट देखने में जितना ही टफ है करने में उतना ही ईजी है आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधा सीधा देखो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हेयर यहाँ पे x है आपका एंड y है आपका a टेन क्यूब थ्री टा हम एल एच एस लेते हैं एल एच एस है हमारी एक्स बाई बी टू बाई थ्री माइनस वाई बाई ए टू बाई थ्री इज इक्वल टू ठीक तो अब देखो एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे बी से क्यूब थ्री टा अपॉन बी की पावर टू बाई थ्री माइनस वाई की वैल्यू रख दो ए क्यूब ए की पावर टू बाई थ्री बी से बी कैंसिल ए से ए कैंसिल क्यूब इसको आप लिखोगे थ्री इंटू टू बाई थ्री ठीक है ये हमारा एक लो होता है और टेन को लिखोगे आप थ्री इंटू टू बाई थ्री ठीक है इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी ऐसे लिख लो इसको थ्री से थ्री कैंसिल यहाँ पे थ्री से थ्री कैंसिल ये होता है आपका सेक स्क्वायर थ्रीटा ये होता है आपका टेन स्क्वायर थ्री एंड सेक स्क्वायर थ्री टा माइनस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है दैट इज वन ये आ गई आपकी आर एच एस क्वेश्चन होता है यहीं पे प्रूव है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन इफ टू कॉस थ्रीटा माइनस साइन थ्रीटा इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस theta माइनस थ्री साइंस थ्रीटा इज इक्वल टू वाई तो प्रूफ करनी है ये वैल्यू यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है तो देखो अगर आप इसी में सीधा एल एच एस लेके करते हो तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए सबसे पहले देखो हमें एक्स क्या दिया हुआ है टू कॉस थ्रीटा माइनस साइन थ्रीटा इसका कर दो आप स्क्वायर हम एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे ये है आपका टू कॉस थ्री टा माइनस साइन थ्रीटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 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 ज फोर कॉस स्क्वायर थ्री प्लस साइन स्क्वायर थ्री माइनस फोर कॉस थ्रीटा साइन थ्रीटा आप जब प्रूव करोगे तो आपने देखा है एक्स स्क्वायर नहीं है टू एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे टू से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एट कॉस स्क्वायर थ्री प्लस टू साइन स्क्वायर थ्री माइनस एट कॉस थ्रीटा साइन थ्रीटा एक्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई अब आप वैल्यू निकालो वाई स्क्वायर की तो यहाँ पे अगेन वाई है आपका कॉस थीटा माइनस थ्री साइन थ्रीटा तो वाई स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस थीटा माइनस थ्री साइन थ्रीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे अगेन आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो मैं सीधा ही कर देती हूँ देखो ए स्क्वायर थीटा प्लस बी यानी कि थ्री थ्री जो नाइन साइन स्क्वायर थीटा टा माइनस टू ए इंटू बी तो यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थ्री टा प्लस नाइन साइन स्क्वायर थ्री टा थ्री टू जस सिक्स कॉस थ्रीटा साइन थ्रीटा वाई स्क्वायर हमारा आ गया अब आपको निकालना है एक्स वाई ठीक है तो यहाँ पे आप एक्स वाई निकालोगे तो नाउ एक्स और वाई देखो एक्स है आपका टू कॉस थ्री माइनस साइन थ्री और y है आपका cos थीटा माइनस थ्री साइन थ्रीटा थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना टू cos थीटा की cos थीटा से करोगे टू cos स्क्वायर थीटा टू cos थीटा की इससे करोगे तो माइनस का थ्री टू जस सिक्स साइन थ्रीटा कॉस थ्रीटा यह आपका आएगा माइनस का साइन थीटा cos थीटा यह आएगा माइनस माइनस प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा टू एक्स वाई है तो सीधा टू भी कर दो देखो टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर है ही नहीं तो आपका टू तू टू हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थ्री माइनस सिक्स और माइनस वन माइनस सेवन माइनस सेवन तो होगा हो ही होगा टू से और मल्टीप्लाई करोगे यानी कि माइनस का फोर्टीन साइन थ्री कॉस थ्रीटा प्लस का थ्री टू जो सिक्स साइन स्क्वायर ठीक है अब हमें देखो क्या क्या निकालना है अब हम ले लेते हैं अपनी एल एच एस एल एच एस है टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई टू एक्सर टू एक्स वैल्यू रख लो एट कॉस स्क्वायर थ्री टा प्लस टू साइन स्क्वायर थ्री माइनस एट कॉस थ्रीटा और साइन थ्रीटा फिर आप है आपका प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर देखो कॉस स्क्वायर थ्री टा प्लस नाइन साइन स्क्वायर थ्री माइनस सिक्स कॉस थ्रीटा साइन थ्रीटा फिर टू एक्स वाई तो माइनस का टू एक्स वाई है तो यहाँ पे सबके साइन हो जाएंगे चेंज ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा प्लस का और ये जाएगा माइनस का अब देखो एट कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर नाइन कॉस स्क्वायर नाइन कॉस स्क्वायर माइनस फोर कॉस स्क्वायर नाइन में से फोर गया फाइव फाइव कॉस स्क्वायर थ्रीटा ठीक है टू साइन स्क्वायर थ्री टा नाइन साइन स्क्वायर थ्री टा इलेवन साइन स्क्वायर इलेवन में से वाला सिक्स गया फाइव यानी कि प्लस का फाइव साइन स्क्वायर थ्री अब देखो माइनस का एट कॉस थ्री टा साइन थ्री माइनस का सिक्स कॉस थ्री टा साइन थ्री माइनस का फोर्टीन साइन थ्री cos कॉस थ्रीटा और ये कितना है प्लस का यानी कि ये क्या हो गया इससे कैंसिल आउट यहाँ पे आपने क्या ले लिया फाइव कॉमन आप अगर कन्फ्यूज हो रहे होगे तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा लेना कि एट प्लस नाइन ऐसे करके तो आपको इजी लगेगा ये हमारी आइडेंटिटी होती है वन ये आता है फाइव यानी कि आर एच एस के इक्वल क्वेश्चन होता है यहीं पे प्रूव लेकिन इम्पोर्टेंट उतना ही है तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इफ़ टेन एक्स इज इक्वल टू एन टेन वाई एंड साइन एक्स इज इक्वल टू एम साइन वाई तो प्रूव करना है कॉस स्क्र एक्स इतना देखो इसमें एक ट्रिक है अब वो ट्रिक क्या है देखो सबसे पहले मुझे मैं पता है इसको क्या बना लूंगी मैं इसको बना लूंगी मुझे वाई नहीं चाहिए तो वाई वाले को रिमूव करना है बस इतना याद रखना तो यहाँ पे मेरा है टेन एक्स इज इक्वल टू एन टेन वाई ठीक है ये है तो यहाँ पे मैं इस टेन वाई को मुझे रिमूव करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी देखो इसको यहाँ ले आओ एन को और इसको लिखो टेन वाई ठीक है अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो यानी कि हमारा ऐसे भी होगा एन अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टेन वाई मैंने क्या करा इसको रेसिप्रोकल कर दिया ठीक है एन अपॉन टेन एक्स और इसके नीचे वन था तो ये हो गया वन अपॉइन्ट टेन वाई अब वन अपॉन्ट टेन वाई आपका क्या होता है वो होता है कॉट वाई ठीक है वन अपॉइन्ट टेन वाई क्या होता है आपका कॉट वाई तो ये आपका आ जाएगा एन बाय टेन एक्स ठीक है अब हम ऐसे ही दूसरे में देखेंगे हमारा ये है अगेन वी हैव हमारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू एम साइन वाई ठीक है अब यहाँ से हमें साइन वाई को रिमूव करना तो देखो इसको ऐसे करो इसके नीचे वन मानो इसके नीचे वन मानो ये और भी इजियर प्रोकल वगैरह नहीं करना पड़ेगा ये इधर आएगा आपका तो ये, और ये इधर आएगा तो वन अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू तो एम अपॉन साइन एक्स ठीक है और साइन वाई क्या होता है साइन वाई होता है आपका कॉसेक वाई इज इक्वल टू एम बाई साइन एक्स अब आपको एक आईड मुझे पता है यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए वाई नहीं चाहिए तो मैंने वाई वाले को रिमूव कर लिया बस इसमें यही याद रखना है आपको अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कॉसैक स्क्वायर वाई सिंस माइनस ट स्क् वन होगा है ना कॉट स्क्वायर होता है यहाँ पे हमारा एंगल क्या है वाई तो हमने वाई ले लिया अब देखो इसकी वैल्यू क्या है ये ये आ गई माइनस उसकी वैल्यू क्या थी कॉट वाले की आपकी एन स्क्वायर बाय टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अब देखो एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल माइनस अब देखो इसको आप लिख लो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन कॉस जाएगा आपका ऊपर ठीक है ये यह आएगा यही कर देती हूँ मैं ठीक देखो साइन स्क्वायर एक्स आएगा आपका एल और ये आपका आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है ये आया आपका अब आपको आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स चाहिए क्या नहीं चाहिए ठीक है हमें साइन स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स लेकिन हमें क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो हम साइन को कॉस वाली आइडेंटिटी में बदल देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है अब एम स्क्वायर इस प्लस वन को तो इधर ले आओ ठीक माइनस वन हो जाएगा और इस पूरे कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ तो आपका होगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देखो हो गया सॉल्व एम स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस वन बचेगा कब जब आप कॉस स्क्वायर एक्स क्या ले लोगे कॉमन कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लेने दो और इसको आप नीचे ले आओ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन ये आ गई आपकी आर एच एस ये हो गया आपका हैंस प्रूव वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के यहीं पर ख़त्म होते हैं कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा नेक्स्ट जो आपके टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस के होंगे यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग